हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने खड़ी है ब्रेजा और ये है इसका बेस मॉडल। अब एलॉय व्हील देख के आप कहोगे भाई ये तो टॉप मॉडल लग रहा है, तो बिल्कुल बेस मॉडल में जो छोटी छोटी आपको कम पैसे देकर कमी जैसी फील होती है ना, यहाँ पर वो चीज़ दिखाई गई है कि आप बहुत ही कम खर्चा करके बिल्कुल टॉप मॉडल वाला मजा ले सकते हो। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये देखो, ब्रेजा आखिरकार इतनी बिकती क्यों है? पिछली जनरेशन की बात करें भाई, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट रहा, उसके साथ ये जब जनरेशन चेंज हुई है कीमतों में भी काफ़ी उछाल आया, उसके बाद भी आज भी चाहे बेस मॉडल लो कोई सा भी मॉडल लो बहुत अंधाधुंध बिक्री रहती है, स्पेशली बेस मॉडल LXi जो अपने सामने है। एक एक करके सारी चीज़ों की बात करेंगे, फिलहाल बात करते हैं इसके बेस मॉडल की कीमत की। कीमत सबसे बड़ा फैक्टर है आज के टाइम में इतनी ज़्यादा डिमांड होने का। इसकी कीमत है इसकी 8,29,000 रुपये, 8,29,000 रुपीज़ एक शोरूम। मैं हूँ इस समय नैनीताल मोटर हल्द्वानी में, यहाँ पर ये आपको पड़ रही है लगभग 9,30,000 रुपये। अब मेन जो इसकी USP है वो इसकी यही 9,30,000 रुपये ऑन रोड कीमत है। इसमें आपको सबसे पहले तो मारुति की गाड़ी है ना, एक विश्वास, दूसरा 1500 cc का इंजन, तीसरा कॉम्पैक्ट SUV वाला सेगमेंट, और उससे ऊपर जो सेफ्टी, बिल्कुल भाई प्रोवन 4-स्टार सेफ्टी। सबसे ज़्यादा अगर कोई सेफ गाड़ी मानी जाती है मारुति की, लोगों में जो परसेप्शन है वो भाई यही है आपके सामने, यही है इसकी ताकत। एक एक करके सारी चीज़ें भाई, सबसे पहले सामने से लुक देख लो आप। इस कलर में बेस मॉडल के जो भी एलिमेंट होते हैं ना, जो भी ब्लैक पार्ट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खिल के आते हैं और मिनिमल, बिल्कुल अब मारुति या क्रोम होना ही होना है तो मिनिमल जो यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट आता है क्रोम का, वो काफ़ी अच्छा लगता है। अब आप देखो इतनी ज़्यादा चौड़ी फील की होती है आज के समय में। सबसे पहले तो जब फेसलिफ्ट इसका आया तो भाई जो हेडलैम्प है अपने, वो बिल्कुल कॉर्नर तक कर दिए है ना, और रात के समय तो बहुत चौड़ी फील होती है। चौड़ाई है इसकी 1790 mm, जो अपने कंपटीशन के एट पार है। ठीक, आ जाते हैं हेडलैम्प की तरफ, तो भाई हेडलैम्प यहाँ पर आपको मिल जाता है क्या, प्रोजेक्टर, अंदर हेलोजन बल्ब भी है, हाई एंड लो यही काम करेगा। उसके साथ ये हो गया पायलट लैम्प और ये है यहाँ पर इंडिकेटर, सारा का सारा यहाँ देख रहे हो आप हेलोजन ही मिल रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं इसमें अंदर लगवा लेते हैं LED और बिल्कुल दूध या रोशनी, टॉप मॉडल वाला फील हो जाता है। और साथ में देख रहे हो ये फॉग लैम्प, तो भाई फॉग लैम्प ये ऊपर से लगा रखे हैं, शोरूम में आप ये लगवा सकते हो। जैसे मैंने बताया साइड प्रोफाइल में देखोगे एलॉय व्हील, और उसके साथ यहाँ पर वाइट अपने ही है भाई, हेडलैम्प भी वाइट हो जाएंगे तो पूरा टॉप मॉडल वाला आपको लुक मिल जाता है। इसीलिए तो बेस मॉडल की मारा मारी है इतनी। तो भाई ये है पूरा का पूरा लुक सामने से। आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, कुछ ये है साइड से गाड़ी, जच रही है ना, नहीं फील देती है, बेस मॉडल है। रीज़न सबसे पहला जो इसके डायमंड कट अलॉय व्हील है, वो लुक में चार चांद लगा रहे, खिल के आ रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है आपको टायर वायर चेंज नहीं करवाना, जो अपना प्रोफाइल आता है ना टॉप मॉडल में वही बेस मॉडल में आता है, मतलब 215/60 R16 इसी साइज़ का आपको स्टील रिम के साथ बेस मॉडल में मिलता है। और आप क्या करोगे, बस रिम निकाल के इसमें अलॉय व्हील लगवा लोगे, काम खत्म, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होना टायर चेंज का, ये चीज़ अच्छी है। बाकी इंडिकेटर आपको ORVM पे ही मिल जाता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बेस मॉडल में मिलता है। उसके साथ कहीं भी कोई भी चीज़ आपको नीचे मॉडल वाले नहीं दिखती, जैसे डोर हैंडल काले नहीं दिखते, आपको ऊपर शार्फिन एंटीना भी मिल जाता है, ये सारी चीज़ें बेस मॉडल में मिलती हैं, इसीलिए लोग दीवाने हैं बेस मॉडल के। बात करें इसकी लंबाई की, तो भाई कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट है इसीलिए 3999 mm। उसके साथ व्हील बेस देखते हैं तो आपको मिल जाता है यहाँ पर 2500 mm का, 2500 mm। उसके साथ ग्राउंड क्लियरेंस देखते हो, वो शुरुआत से अब तक कोई शिकायत नहीं दी है, इस सेगमेंट में बहुत ऊपर जाता है 198 mm का। उसके साथ देख रहे हैं यहाँ पर आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक, तो बिल्कुल डिस्क ब्रेक फ्रंट में है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक, बेस मॉडल होते हुए भी केवल डिस्क नहीं, ABS EBD के साथ आपको इसमें हिल होल्ड कंट्रोल, उसके साथ अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिल जाता है, ऐसा ही। तो ये है पूरी की पूरी प्रोफाइल साइड से, क्या बात है। अब क्या करें, अब आते हैं फेवरेट, मेरी नहीं बहुत लोगों की फेवरेट प्रोफाइल है क्या भाई, ये रियर मिनी रेंज रोवर ऐसे ही नहीं बुलाते इसको, और जो लोग करवाते थे ऊपर से ये अपना हाइलाइटर जैसे लगवाते थे, क्रोम का टाइम गया था तो ब्लैक ग्लॉसी पैनल लग गए थे, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने ही लगा के दे दिया, आपको यही लुक मिलता है, कोई एसेसरी आपको रियर में नहीं दिख रही, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, ये बाय डिफ़ॉल्ट लुक है ना, बढ़िया। तो ये मिल जाती है आपको जैसे हेडलैम्प जलाओगे, ऑलवेज ऑन मोड में, जैसे ब्रेक दबेगी तो अपना ये वाला पार्ट तेज़ी से जलता है। ठीक, इंडिकेटर हो गया अपना यहाँ पर, उसके साथ हो गया अपने यहाँ पर रिवर्स लैम्प, ब्रेजा की ब्रांडिंग बीच में है, कोई आपको इसमें डिफॉगर और वाइपर नहीं मिलता बेस मॉडल की वजह से। लेकिन अच्छी चीज़ है हाई माउंट स्टॉप लैम्प अपना आपको मिल जाता है, किसमें, स्पॉयलर में,
लुक बढ़ाता है ना, उसके साथ शार्पन एंटीना आपको बताई दिया, एक दो तीन चार, चार बार मिल रहे हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर, कोई आपको इसमें कैमरा नहीं मिलता है, रीज़न है इसमें स्टीरियो आपको नहीं मिलता। चलो वो चीज़ें अभी अंदर जाके बताऊंगा आपको, फिलहाल आ जाते हैं इस तरफ। ये एक ही चीज़ बच रही है क्या, फ्यूल फिलर कैप। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको इस सेगमेंट में सबसे ऊपर मिल रही है, कितनी, 48 लीटर की। बड़ा फ्यूल टैंक है जिस वजह से आपको रेंज काफ़ी ज़्यादा मिलती है, आपको छोटे छोटे स्टॉप नहीं लेने होते रिफ्यूलिंग के लिए। तो ये है अपने पास, दोबारा से बता रहा हूँ, बेस मॉडल LXi नाम से है, ब्रेज़ा का, सब जानते हैं कितना फेमस है, हमेशा से जब से लॉन्च हुई है तब से इसकी वेटिंग बनी हुई है, है ज़बरदस्ती। कीमत है इसकी 8,29,000 रुपये एक शोरूम, मैं उस समय नैनीताल मोटर हल्द्वानी में, यहाँ पर ही आपको पड़ रही है लगभग 9.5 लाख रुपये की ऑन रोड। चलो अब क्या करें, अब चलते हैं अंदर, दिखाते हैं सबसे पहले क्या दिखा, चाबी देखें तो ये है कुछ अपनी चाबी, जानी पहचानी मारुति की, बिल्कुल बहुत सालों से भाई जनरेशन चेंज हो चुकी है लोगों की, मैं गाड़ियों की नहीं कह रहा लेकिन चाबी वही है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, एक बटन दबाया लॉक हो गई, पिक पिक इसमें मिल रही है, जनरली बेस मॉडल में हम देख रहे हैं ये आवाज़ ख़त्म हो चुकी है, इसमें मिल रही है, उसके साथ ये हो गई अनलॉक, और अंदर चलते हैं अब सीधा, ये टी 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 को करते हैं बंद, हो गया सेट। तो भाई ये है कुछ डोर ट्रिम, पूरा का पूरा ब्लैक, आपको केवल डोर ट्रिम ही नहीं इंटीरियर भी कंप्लीट ब्लैक मिल जाता है, सॉफ्ट टच कोई नहीं है लेकिन यहाँ पर टेक्सचर अलग आपको दिया हुआ है, बिल्कुल कार्बन फाइबर फिनिश में, चारों की चारों पावर विंडो हैं, ऑटो डाउन ऑटो अप आपको मिलता है ड्राइवर साइड, बेस मॉडल में भी, उसके साथ जो मिरर हैं अपने इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो जाते हैं, फोल्ड आप हाथ से करोगे लेकिन एडजस्ट हो जा रहे हैं, अच्छी चीज़ है। उसके साथ नीचे हो गया अपना बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट यहाँ हो गई। स्पीकर्स की बात करें तो स्पीकर इसमें नहीं मिलते क्योंकि म्यूजिक प्लेयर नहीं आ रहा, लेकिन आपको ग्रिल मिल जाती है एक दो तीन चार, चारों के चारों डोर में, और उसके साथ आपको डेडिकेटेड ट्विटर के लिए भी जगह मिल जा रही है, देखो यहाँ पर दोनों साइड, अगर ट्विटर भी आपको लगवाना साथ में वो आप लगवा सकते हो। आ जाते हैं सीट पर, कोई भी हाइट एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि बेस मॉडल है, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट हम देखते हैं तो वो बढ़िया, इसमें सीट कवर लगे हुए हैं, आप जब लोगे आपको फैब्रिक ही मिलेगा, ठीक, अपनी मर्जी है लगवा सकते हो आप शोरूम से। बाकी हेडरेस्ट आप देख रहे हो आगे के दोनों एडजस्टेबल मिल जा रहे हैं, लेकिन पीछे की बात करें पीछे आपको कोई भी हेडरेस्ट नहीं मिल रहा, ये चीज़ अच्छी नहीं है भाई, फिक्स वाले तो देते कम से कम, आज के समय में सारी कंपनियां देख रहे हैं धीरे धीरे अपडेट कर रही हैं कि भाई जो पांचों के पांचों हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल दे रहे हैं, लेकिन अब इसमें बीच में ही कोई जनरेशन चेंज से पहले ही बीच में चेंज आएगा देखना, जो आपको हेडरेस्ट मिलने लगेंगे। नेक्स्ट में देख रहे हैं हम, सब में होते जा रहे हैं, धीरे धीरे इसमें भी हो जाने हैं। चलो आ जाते हैं अपने कहां, सीट की तरफ। अब सीट पे बैठते ही सबसे पहले तो कंफर्ट अच्छा लग रहा है, उसके साथ साथ एक बार चाबी लगा देते हैं फिर दिखाते हैं अंदर। ये अरे भाई ये क्यों टिंग टिंग हो गया, हाँ इसको कर लेते हैं एक बार बंद, बढ़िया, इसके साथ इसको कर लेते हैं बंद, टिकटॉक टिकटॉक। तो भाई ये दिख रहा है आपको पूरा का पूरा अंदर का नजारा, स्टीयरिंग व्हील अपना एक बार, हाँ ठीक है, ऊपर नीचे मतलब टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, हेडलैम्प आपको मैनुअल मिल रहे हैं, वाइपर आपको मैनुअल मिल जा रहे हैं, लेकिन जो क्लस्टर की बात करें तो आपको एनालॉग के साथ साथ डिजिटल बीच में MID मिल जाती है, यहाँ पर आपको मिल रहा है एनालॉग टैकोमीटर, ये हो गया अपना स्पीडोमीटर, और जब MID की बात करें तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो भी जनरल मारुति की गाड़ी में किसी भी गाड़ी में आपको चाहिए वो आपको मिलती है, ये हो गया अपना फ्यूल टैंक का लेवल, उसके साथ ये हो गया इंजन का टेम्परेचर, साथ में नीचे आपको ट्रिप मीटर मिल जा रहा है, यहाँ से दबाएंगे ट्रिप की डिटेल चेंज होंगी, ये देखो यहाँ से ना, यहाँ से दबाया हमने ये और ये चेंज हो गया, और उसके साथ यहाँ से आपको माइलेज वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये ठीक है। उसके साथ क्या चीज़ बची, यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हो गया अपना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, उसके साथ यहाँ पर आ जाते हैं बटन, तो ये फॉग लैंप, फॉग लैंप ऊपर से लगे हुए हैं, इसी का बटन है ये, लेकिन है भाई बिल्कुल कंपनी की फिटिंग जो होती है ना, कंपनी की एक्सेसरी, उसमें कोई डिफरेंस पता ही नहीं चलता है ना। उसके साथ ये हो गया अपना हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए। अब उसके साथ साथ आप ये वुडन फिनिश देख रहे हो ना, ये हुई और यहाँ पर ये पूरी की पूरी, तो भाई ये एक्सेसरी में लगी हुई है, लेकिन आप जब स्टॉक गाड़ी लोगे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, आपको ब्लैक पार्ट ही मिलेगा, लेकिन अच्छी चीज़ है ये पूरी की पूरी आपको मैट सिल्वर फिनिश जरूर इसमें मिल जाती है। आ जाते हैं यहाँ पर, ये स्टीरियो लगा हुआ दिख रहा है आपको, तो भाई बिल्कुल इसमें साथ में नहीं आता, ये एसेसरी में लगा हुआ है, यहाँ पर आपको खाली मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, आपकी मर्जी है, आप कंपनी से लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आज के समय में इसमें आदमी 9 इंच का म्यूजिक प्लेयर लगाता है, यूट्यूब सब कुछ चलता है इसमें, मौज लेता है वो ना। नीचे आ जाते हैं तो ये हो गया अपना ब्लोअर के लेवल ऊपर, मतलब नॉर्मल एसी है, ऑटोमेटिक एसी नहीं मिलता, 12 वोल्ट का सॉकेट है चार्जिंग लगाने के लिए, फोन वोन रखने की बहुत सारी जगह है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स है जो ट्राइड एंड टेस्टेड चलता हुआ आ रहा है, उसके साथ रिवर्स गियर लगाएं अगर तो टी करके आपको बता देना, देखो यहाँ पर सिंबल आ गया ना,
तो बिल्कुल पार्किंग सेंसर काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं तो इस तरह से मिल जाता है आपको दो दो का फोल्डर, उसके साथ ये होगा छोटे मोटे सिक्का रखने की जगह, यहाँ पर छोटा सामान रखने की, बाकी आमरेस इस मॉडल में नहीं मिलता आपको। आ जाते हैं यहाँ पर, तो डे एंड नाइट बिल्कुल मैनुअली एडजस्टेबल है, साथ में टिकट होल्डर हो गया, और इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पर भी कोई लैंप वगैरह नहीं है, लैंप आपको बीचों बीच ही मिलती है, सामने के लिए कोई नहीं है। उसके साथ नीचे डेड पैडल आपको मिल जाता है, एबीसी पैडल यहाँ हो गए, और ओवरऑल अगर बात करें पूरे लुक की तो वो आपको ये मिलता है, ठीक है। अब क्या करें, ये जगह बच गई अपनी, ये देख लेते हैं। तो ये आपको नॉर्मल वाला मिल रहा, मतलब कोई भी कूलिंग वगैरह का ऑप्शन इसमें नहीं है, स्पेस ठीक ठाक है, ठीक है। चलो अब चलते हैं जरा पीछे की तरफ, अपने हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है, अभी थोड़ी सी आगे करनी, हाँ अब ठीक है, मेरे हिसाब से होगी सेट। अब आपको पीछे का स्पेस दिखेगा पूरा, ये यहाँ से इसे किया बंद, और अरे ये खोला, और ये मिल रहा है आपको पीछे का डोर ट्रिम। आप एंगल देखो कितने वाइड खुल रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है, चढ़ना उतरना बहुत इजी है। साथ में पावर विंडो का बटन आपको मिल जाता है, उसके साथ साथ नीचे बॉटल होल्डर, बढ़िया। आते हैं सीट की तरफ, अंडर थाई सपोर्ट सही है, लेकिन वही मैंने आपको ड्रॉबैक बताया, पीछे यहाँ पर हेडरेस्ट आपको नहीं मिलते। चलो इसमें बैठते हैं अपने, हाँ ये बात देखो सही है बिल्कुल, लेग रूम सही है, नी रूम सही है, जूते वूते रखने की जगह पूरी है, और आपको पीछे वेंट मिल जा रहे हैं, ये बहुत सही चीज़ है। बेस मॉडल है, बेस मॉडल में भी वेंट्स दे रखे हैं, बढ़िया। और पूरा का पूरा ये है माहौल, क्या बात है। शोल्डर रूम वगैरह, मतलब सारी चीज़ें जो चाहिए, पीछे दो एडल्ट और एक बच्चा आराम से बैठ जाएंगे, या पतली बेल्ट के होंगे तो तीन बंदे भी बहुत बढ़िया तरीके से बैठेंगे। आ जाते हैं और पीछे, और पीछे कहाँ, बिल्कुल ही पीछे, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ये दिया हुआ है यहाँ, और ये मिल रहा है आपको यहाँ पर लगभग 328 लीटर का बूट स्पेस, ठीक। और अगर और बढ़ाना तो भाई पूरे के पूरे इस फट्टे को पूरा पीछे कर लो, कोई भी आपको इसमें वो नहीं मिलती, अपनी जो पार्सल ट्रे होती है वो, ठीक। एक बार खोलते हैं तो ये आपको मिल रहा है यहाँ पर स्पेयर व्हील, और स्पेयर व्हील और क्या दिखाया भाई, क्योंकि बेस मॉडल है तो अपना वही 16 इंच का ही आपको यहाँ पर मिल जाता है, बाकी छोटा मोटा सामान रखने की जगह हो गई, और लुक क्या बात है, एक ही है, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा स्क्वायर शेप में मिल जाता है, ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, जिसके बाद सामान निकालना डालना बहुत इजी रहता है। चलो इसको कर देते हैं अपना बंद, अब क्या करें, अब एक चीज़ बची है अपना इंजन, उसको खोलते हैं जरा, ये ठीक है। अब आते हैं यहाँ, भाई भारी भरकम बोनट, रीज़न यही है, इसी चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं लोग, और उसके बाद जब रेटिंग आ जाती है तो और ज़्यादा पक्का हो जाता है वो ट्रस्ट। यहाँ पर आ जाते हैं जब ट्रस्ट की एक और चीज़ की बात करेंगे, तो भाई ये है मारुति का इंजन, 1500 सीसी का है, 4 सिलेंडर है, पेट्रोल है, बहुत रिफाइंड है, K15C के सीरीज में 3rd जनरेशन है, और उसके साथ पावर की बात करें तो मिल जाता है आपको लगभग 103 BHP, और वहीं टॉर्क देखते हैं तो टॉर्क मिल रहा है इसमें 137 Nm का। यहाँ पर हो गई वही ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, और साथ में मतलब हिल होल्ड कंट्रोल सब कुछ है जो चीज़ आपको चाहिए। यहाँ कवरिंग आपको दे रखी है, और यह है पूरा का पूरा सेटअप, कपड़ा भी दे रखा है भाई, और शांति बनी रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हाँ रैव जब ऊपर करते हो, RPM ऊपर जाते हैं तब आपको ज़रूर फील देती है ये, लेकिन अगर लोअर RPM की बात करें, लो एंड टॉर्क की बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये थी अपने आगे LXi मॉडल, रीज़न इतना ज़्यादा इसका फेमस होने का, डिमांडिंग होने का यही है, जो भी किसी मिडिल क्लास बंदे को, यानी वो अपनी पहली गाड़ी लेना चाह रहा है या फिर किसी छोटी गाड़ी से अपग्रेड करना चाह रहा है, तो बेस मॉडल उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। रीज़न है कीमत, कीमत है 8,29,000 रुपये, एक्स शोरूम 8,29,000 रुपीज़। मैं उस समय कहाँ पर, नैनीताल मोटर एरिना में, हल्द्वानी में, यहाँ पर ही आपको पड़ेगी 9.5 लाख रुपये की। 9.5 लाख में आपको ये जो सारी चीज़ें दिख रही हो ना, एसेसरी, बस ये लगा लो, काम पूरा, लुक वही देती है ये टोरे वाला, मतलब कौन सा, जो मिनी रेंज रोवर वाला है आजकल फेमस है, वही दे देती है। ये जैसे जलाया हमने तो ये देखो, ये वाला लुक, और यही लुक तो चाहिए यार आज के समय रोड पर, टोरेबाजी का जमाना है, रोड प्रेजेंस अच्छी होनी चाहिए, वो ये गाड़ी आपको पूरी तरह से दे देती है। तो ये था वीडियो में, वीडियो आपको कैसा लगा बताना जरूर, गाड़ी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को, क्या बात है, जय हिंद।